एग्रोकेमिकल्स ने एज अ सेक्टर काफी अच्छी ग्रोथ दिखाई है पिछले कुछ सालों में, और उम्मीद है कि अगले कुछ सालों में भी इस सेक्टर में ग्रोथ ही आएगी। इस सेक्टर में ऑलरेडी कुछ ऐसी कंपनीज हैं जो कि स्टॉक एक्सचेंजेस पर लिस्टेड हैं, और उन्होंने एक अच्छी रेवेन्यू ग्रोथ दिखाई है कुछ सालों में, एंड साथ ही साथ अच्छे रिटर्न्स जनरेट करके दिए अपने इन्वेस्टर्स को। इसी सेक्टर में एक और कंपनी अपना आईपीओ लेकर आ रही है, इंडिया पेस्टिसाइड्स लिमिटेड एक रिसर्च एंड डेवलपमेंट ड्रिवन एग्रोकेमिकल्स मैन्युफैक्चरर है, और इंडिया में ये एक अकेले ऐसे प्रोड्यूसर हैं जो कुछ स्पेशल टेक्निकल्स मैन्युफैक्चर करते हैं, जैसे कि फॉल्पेट, थियोकार्बामेट और हर्बिसाइड्स। आज के इस वीडियो में हम इंडिया पेस्टिसाइड्स के बिजनेस को देखेंगे, इसके फाइनेंशियल्स और फाइनेंशियल रेशियोज पर नजर डालेंगे। इस आईपीओ की डिटेल्स भी मैं आपको दूंगा, और मैं आपको ये भी बताऊंगा कि इस आईपीओ में आपको अप्लाई करना चाहिए या नहीं, तो जरूर इस वीडियो को एंड तक देखें। पर इससे पहले कि हम आगे बढ़े, डू स्क्रॉल डाउन एंड सब्सक्राइब टू अवर चैनल फॉर रेगुलर अपडेट्स ऑन मेनी मोर सच वीडियोस। मैं हूं गौरव सेठ और आप देख रहे हैं जेड फंड्स। इंडिया पेस्टिसाइड लिमिटेड का आईपीओ सब्सक्रिप्शन के लिए 23 जून से लेकर 25 जून 2021 तक ओपन है। आइए एज ऑलवेज सबसे पहले इस कंपनी के बिजनेस पर एक नजर डालते हैं। इंडिया पेस्टिसाइड्स का निर्माण 1984 में हुआ था। ये एक रिसर्च एंड डेवलपमेंट ड्रिवन एग्रोकेमिकल्स मैन्युफैक्चरर है। इनके बिजनेस के दो मेन वर्टिकल्स हैं जिनमें ये ऑपरेट करते हैं, टेक्निकल्स और फॉर्मुलेशंस। इंडिया पेस्टिसाइड्स अकेला मैन्युफैक्चरर है इंडिया में जो कुछ स्पेशल टेक्निकल्स बनाता है, जैसे कि फॉल्पेट, थियोकार्बामेट और हर्बिसाइड। इनके टेक्निकल्स 25 से भी ज़्यादा देशों में एक्सपोर्ट होते हैं, जिसमें एशिया, ऑस्ट्रेलिया, अफ्रीका और यूरोप की कंट्रीज भी इंक्लूडेड हैं। अगर एग्रोकेमिकल फॉर्मुलेशंस की बात करें तो वो प्राइमरीली डोमेस्टिक क्रॉप प्रोटेक्शन मैन्युफैक्चरर्स को बेचे जाते हैं। इसमें सिंजेंटिया, UPL और शारदा क्रॉपकेम जैसी कंपनीज आती हैं। करेंटली इंडिया पेस्टिसाइड लिमिटेड के दो मैन्युफैक्चरिंग प्लांट्स हैं, दोनों ही उत्तर प्रदेश में हैं, एक लखनऊ में और एक हरदोई में। चलिए कंपनी के कंपेटिटिव स्ट्रेंथ्स पर एक नज़र डालते हैं। इंडिया पेस्टिसाइड्स के पास स्ट्रॉन्ग रिसर्च एंड डेवलपमेंट और प्रोडक्ट डेवलपमेंट कैपेबिलिटीज हैं। इनका एक डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो है क्वालिटी प्रोडक्ट्स का। इन्होंने अपने कस्टमर्स के साथ लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप को बहुत अच्छे से मेंटेन किया हुआ है। इनके पास एडवांस मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज हैं जिनका फोकस सेफ्टी, हेल्थ और एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन पर रहता है। कंपनी का बहुत वाइड डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क भी है। इंडिया पेस्टिसाइड्स का आईपीओ सब्सक्रिप्शन के लिए 23 जून से लेकर 25 जून 2021 तक ओपन है। आईपीओ का टोटल साइज 800 करोड़ रुपए का है, जिसमें से 700 करोड़ ऑफर फॉर सेल के हैं, यानी जो एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स हैं वो अपने शेयर्स बेच रहे हैं। बाकी जो 100 करोड़ है वो फ्रेश इशू है। आईपीओ में रिटेल कोटा 35% का है, यानी 280 करोड़ रुपए का। आइए एक बार देखते हैं जो 100 करोड़ रुपए फ्रेश इशू के उठाए जाएंगे उसको कंपनी कैसे यूज करेगी। आईपीओ के प्रोसीड से जो भी पैसा आएगा उसको कंपनी अपने वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट्स को पूरा करने के लिए यूज करेगी। बाकी के अमाउंट को कंपनी के जनरल कॉर्पोरेट पर्पसेस में यूज किया जाएगा। चलिए अब कंपनी के फाइनेंशियल्स पर एक नजर डालते हैं। इंडिया पेस्टिसाइड्स की फाइनेंशियल परफॉर्मेंस पिछले कुछ सालों में बहुत ही अच्छी रही है। रेवेन्यूज तो ऑलमोस्ट डबल हो गए हैं पिछले 3 सालों में। फाइनेंशियल ईयर 2019 में जो रेवेन्यूज 346 करोड़ के थे वो बढ़कर फाइनेंशियल ईयर 2021 में 655 करोड़ रुपए के हो गए। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स में भी बहुत अच्छी ग्रोथ आई है। फाइनेंशियल ईयर 2021 में 134 करोड़ का प्रॉफिट आफ्टर टैक्स था। एसेट्स और बोरिंग्स को देखें तो उनमें भी काफ़ी चेंज आया है। एसेट्स फाइनेंशियल ईयर 2019 में 317 करोड़ से बढ़कर फाइनेंशियल ईयर 2021 में 517 करोड़ रुपए के हो गए, और बोरिंग भी 3 सालों में लगभग आधी हो गई है। फाइनेंशियल ईयर 2021 के एंड पर 30 करोड़ रुपए की बोरिंग थी कंपनी की। चलिए कुछ फाइनेंशियल रेशियोज को भी देख लेते हैं। प्रॉफिट मार्जिन पहले भी बहुत अच्छा था और अब तो और भी बढ़िया हो गया। फाइनेंशियल ईयर 2021 में 20.52% का प्रॉफिट मार्जिन दिखाया है कंपनी ने। जैसा हमने देखा था कि बोरिंग लगभग आधी हो गई है, तो हम डेट टू इक्विटी रेशियो और डेट टू एसेट्स रेशियो में भी देखते हैं कि वो भी हर साल कमी हुए हैं, विच इज़ अ गुड थिंग। फाइनेंशियल ईयर 2021 में डेट टू इक्विटी रेशियो और डेट टू एसेट्स रेशियो 0.08 और 0.06 थे रिस्पेक्टिवली। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड भी बहुत अच्छा रहा है और हर साल बढ़ा ही है। फाइनेंशियल ईयर 2021 में रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड 34.63% का था। ये तो था कंपनी और उसके फाइनेंशियल्स का ओवरव्यू। आइए अब आईपीओ के डिटेल्स पर एक नज़र डालते हैं। आईपीओ में जो शेयर्स इशू किए जाएंगे उनकी फेस वैल्यू 1 रुपए की है, लेकिन इन शेयर्स को एक प्रीमियम पर इशू किया जा रहा है। इस आईपीओ के लिए शेयर्स का प्राइस बैंड 290 रुपए से लेकर 296 रुपए का रखा गया है। अगर आप इस आईपीओ में अप्लाई करना चाहते हैं तो मिनिमम आपको 1 लॉट के लिए अप्लाई करना पड़ेगा। इस केस में 1 लॉट 50 शेयर्स का है, यानी आपकी मिनिमम इन्वेस्टमेंट 14,800 रुपए की होनी चाहिए। मैक्सिमम आप 13 लॉट्स के लिए अप्लाई कर सकते हैं, यानी 650 शेयर्स के लिए। इस केस में आपकी जो टोटल इन्वेस्टमेंट है वो 1,92,400 रुपीज की होगी। चलिए आईपीओ के टाइमलाइन को देखते हैं। जैसा मैंने बताया, आईपीओ का ओपन और क्लोज डेट 23 जून और 25 जून है रिस्पेक्टिवली। शेयर्स का अलॉटमेंट 30 जून को हो जाएगा।
और रिफंड का इनिशिएशन और एजबा अनब्लॉकिंग 1 जुलाई तक हो जाएगी। डीमैट अकाउंट में आप शेयर्स की क्रेडिट 2 जुलाई को एक्सपेक्ट कर सकते हैं और आईपीओ की लिस्टिंग डेट 5 जुलाई की तय की गई है। इस आईपीओ के रजिस्ट्रार के फिनटेक प्राइवेट लिमिटेड है। आप अपने एप्लीकेशन का स्टेटस या तो रजिस्ट्रार की वेबसाइट पर या फिर बीएससी की वेबसाइट पर 30 जून के बाद चेक कर सकते हैं। अब आते हैं सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पर, क्या आपको इस आईपीओ में अप्लाई करना चाहिए। इंडिया पेस्टिसाइड लिमिटेड देश के सबसे फास्टेस्ट ग्रोइंग R&D एग्रोकेमिकल मैन्युफैक्चरर्स में से एक है। इनके प्रोडक्ट्स ना सिर्फ इंडिया में बल्कि 25 से ज़्यादा देशों में एक्सपोर्ट भी होते हैं। उसके साथ साथ कुछ ऐसे टेक्निकल प्रोडक्ट्स भी हैं जो सिर्फ यही मैन्युफैक्चर करते हैं, जो इन्हें एक यूनिक एडवांटेज भी देता है। जैसे हमने देखा, कंपनी के फाइनेंशियल्स और फाइनेंशियल रेशियोज भी बहुत ही इंप्रेसिव हैं। अगर ग्रे मार्केट प्रीमियम की बात करें तो वो 19 जून को ऑलमोस्ट 103 रुपये का था, विच इज 35% अबव द इशू प्राइस। ऑल इन ऑल कंपनी लिस्टिंग गेन के हिसाब से भी और लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के हिसाब से भी एक अच्छी बेट लग रही है। मैं पर्सनली तो जरूर अप्लाई करूंगा इस आईपीओ में, लेकिन आपको अपना डिसीजन लेने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से जरूर बात कर लेनी चाहिए। अगर आपके इस आईपीओ को लेकर या किसी भी और फाइनेंशियल प्रोडक्ट को लेकर कोई भी सवाल हो तो हमें व्हाट्सएप करें 7217746224। आप अपने कमेंट्स नीचे या फिर हमारी वेबसाइट zfunds.in पर भी लिख सकते हैं। आई होप आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी। लाइक बटन को क्लिक करना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। Thank you for watching Z Funds.